Good morning, students. I will teach you mathematics of 11th class. But that is chapter number second chapter शुरू कर रहा हूँ, first chapter complete कर चुका हूँ. उसमें जितनी भी problems हैं वो बाद में हम आपसे discuss कर लेंगे, ठीक है. तो second chapter है relation and functions. तो relation functions सबसे पहला point है ये आपने ये देखा हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट, जो 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. ए कोमा बी और दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद, ठीक है, इसे ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं वैसे. ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट से रिप्रेजेंट क्या करते थे अब तक 10th क्लास में, एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ही है, लेकिन प्लस वन के अंदर इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं. दैट इज एन ऑर्डर पेयर जिसका पहला पॉइंट एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस से बिलोंग करता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रखा है और ये y एक्सिस ड्रॉ कर रखा है. ये a पॉइंट x एक्सिस पर है, दूसरा पॉइंट y एक्सिस पर है. तो मैंने ये a पॉइंट को x एक्सिस पर ले लिया है. देखिए इस a पॉइंट को मैंने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, और इस b पॉइंट को मैंने y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो एक पॉइंट मिल गया मुझे, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, तो ये सामने ये पॉइंट जो आया a कोमा b होना चाहिए. इस तरह से आपने एक पॉइंट ढूंढ लिया है, जो ये पॉइंट है एक मामी, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट है. लेकिन बेटा 10th क्लास तक ये कोऑर्डिनेट पॉइंट था, लेकिन अब जो हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को बेटा एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जानेंगे, क्योंकि ये दो पॉइंटों का एक पेयर है, इसलिए इसको ऑर्डर पेयर के नाम से जाना जाता है. लेकिन इसको इस ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोलते हैं. ये पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है. चलो इसके बाद जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इस ऑर्डर पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होगा इस टॉपिक में. अगला जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. बेटा ये ए सेट गिवन है आपको, ये बी सेट गिवन है, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ. मतलब मैं दो सेटों को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, उसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालने वाला हूँ. ए सेट आपके सामने यहाँ लिख दिया क्रॉस में, ये बी सेट आपके सामने यहाँ लिख दिया, ये ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है जी. अच्छा कैसे निकालते हैं इसे, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वन को उठाते हैं, इस वन का ऑर्डर पेयर बनाऊंगा मैं ए के साथ, जो मैंने ऑर्डर पेयर ऊपर बता रखा है वो ये ऑर्डर पेयर बनाना है, ठीक है. वो दो एलिमेंटों से मिलके बनता है. तो यहाँ पे वन का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाया, ए के साथ, वन कोमा ए. देखो ऐसे बनाते हैं, वन लेना है फिर यहाँ से ए उठाना है और उसे ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, वन कोमा ए. फिर वन का ऑर्डर पेयर बी के साथ लेना है, तो वन कोमा बी, ठीक है. तो वन का ए के साथ भी लेना ऑर्डर पेयर, वन का बी के साथ भी, ऐसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं. ये एक एलिमेंट माना जाएगा बेटा, दैट इज ओनली वन एलिमेंट, दैट इज सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है. फिर टू को उठाएंगे, टू का ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, टू का बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, टू कोमा ए लिखेंगे, टू कोमा ए ये लिख दिया, देखो ये रहा. फिर टू के साथ बी को लेंगे, टू कोमा बी लिख देंगे, एक और ऑर्डर पेयर बन गया. तो इस तरह से आपके पास चार ऑर्डर पेयर बन गए, एक दो तीन चार. तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब यहाँ बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, मैंने बी सेट अपनी तरफ से ले लिया, बी सेट ये जो था पहले से दे रखा था ए कोमा बी, इसको पहले लिखना है, और ए सेट जो दे रखा है वन कोमा टू, इसको बेटा बाद में लिखना है. फिर दोबारा से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो. इसमें पहला एलिमेंट ए उठाना है, ए के साथ ऑर्डर पेयर वन का बनाना है, फिर ए के साथ ऑर्डर पेयर टू का बनाना है. तो इसको बोलेंगे ए कोमा वन, फिर बोलेंगे ए कोमा टू. बेटा पहले अगर ए एलिमेंट है तो एक ए है, फिर ए के साथ मैं वन का ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ, ए के साथ वन का ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ. तो बेटे ऑर्डर पेयर में पहले ए ही लिखते हैं फिर बाद में वन लिखते हैं, ए के साथ टू का ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ, तो पहले ए को लिखते फिर बाद में टू को लिखते, ये बात ध्यान रखना. उल्टा नहीं लिख सकते, टू कोमा ही नहीं लिख सकते, ए कोमा टू ही लिखना पड़ेगा. इसी तरह से बी का ऑर्डर पेयर वन के साथ, बी का ऑर्डर पेयर टू के साथ, बी कोमा वन और बी कोमा टू. इस तरह से बी क्रॉस ए आपने निकाल दिया, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है. बेटा ये एक सेट है, ये भी क्या बन गया, एक सेट बन गया, ये भी एक सेट बन चुका है. तो ये ए क्रॉस बी निकाल दिया, ये बी क्रॉस ए निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, इसे ही बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है. अच्छा चलते हैं अब आगे. ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हेयर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि आपने आपने पहले पढ़ रखा है ना, इस सेट ए में कितने एलिमेंट है बताओ, दो एलिमेंट है. तो इसके अंदर एन ऑफ ए कितना है, दो है. ए में नंबर ऑफ एलिमेंट को एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले चैप्टर में सीख चुके हैं ये बात, ठीक है. तो बताओ ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लो, ये ए क्रॉस बी था, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करना, एक, ये दो, ये पूरा तीन है, और ये चार है. इस तरह से चार एलिमेंट है, एक दो तीन चार. तो एक क्रॉस बी में नंबर एलिमेंट कितने हो गए, चार हो गए.
ठीक है, और n ऑफ a क्रॉस b का फार्मूला ये होता है n ऑफ a इंटू n ऑफ b। बेटा a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फार्मूला n ऑफ a इंटू n ऑफ b, यानी कि a में नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, फिर b में नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चेक कर लो, ये रहे, a में दो एलिमेंट हैं, b में कितने हैं, दो एलिमेंट, 2 into 2 कितना आया, 4 आ गया, ठीक है जी। तो b क्रॉस a में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, b क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कर लो, b क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट n ऑफ b इनटू में n ऑफ a, b में नंबर ऑफ एलिमेंट 2, a में नंबर ऑफ एलिमेंट 2, 2 दूनी 4, तो b क्रॉस a में भी 4 एलिमेंट हैं, a क्रॉस b में भी 4 एलिमेंट हैं। तो ये फार्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए चलते हैं। अच्छा जी, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये ऑर्डर पेयर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, 1, 2 का ऑर्डर पेयर बता चुका हूँ, 1, 2 का एक ऑर्डर पेयर, दैट इज इक्वल टू 1, 2 का ऑर्डर पेयर। ये दोनों ऑर्डर पेयर बेटा बराबर हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, बराबर है। दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, ये बात यहाँ पर समझाना चाहूंगा। अगर इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला सफिक्स, इसे बोलते हैं सफिक्स, पहला सफिक्स इसके पहले सफिक्स के बराबर होना चाहिए, और इसका दूसरा सफिक्स जो है इसके दूसरे सफिक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर चेक करें, इसमें 1, 1 के बराबर है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर है, आपको ये है, लेकिन इसका दूसरा एलिमेंट क्या दूसरे एलिमेंट के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब 2, 3 के बराबर, क्योंकि 2, 3 के बराबर नहीं होता, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर भी बराबर नहीं है। देखो ये क्रॉस कर रहा था कि दोनों बराबर नहीं है। अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर लिख दिए, a, b = c, d, दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, अगर पहला एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तो वो ऑर्डर पेयर बराबर होगा। तो a की वैल्यू c के बराबर होनी चाहिए और b की वैल्यू d के बराबर होनी चाहिए। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि a c के बराबर है और b d के बराबर है, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर बराबर होने चाहिए। चलिए आगे। अच्छा, ये a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए, b क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बट हेयर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं है। ये जो a क्रॉस b आपने निकाला ऊपर, जो ये सेट निकाला है आपने ऊपर की तरफ a क्रॉस b, ठीक है, और ये b क्रॉस a जो निकाला है, देख लीजिए ये दोनों सेट, ये दोनों, ये पूरा सेट और ये पूरा सेट दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको इक्वल ऑर्डर क्या होता है उसकी डेफिनेशन बता दी है। दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, अगर ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, लेकिन यहाँ पर चेक करना, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर कब होंगे, अगर इसके सारे एलिमेंट, ये जो सारे एलिमेंट है और ये वाले सारे एलिमेंट सारे के सारे सेम टू सेम हो, तो ये दोनों सेट जो है इक्वल कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे चेक करना, 1, a यहाँ पर है, क्या 1, a इसके अंदर है, चेक करो आप, 1, a ऑर्डर पेयर किसका एक एलिमेंट है, 1, 1 ऑर्डर पेयर है जो इसका एक एलिमेंट है, वो इसमें है क्या, नहीं है। 1, a इसके अंदर है, लेकिन 1, a इसमें नहीं है, यहाँ 1, a नहीं, यहाँ 1, 1 है, और 1, a और 1, 1 बराबर नहीं होते हैं, तो इसका एक एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। क्योंकि दो सेट बराबर तभी होते हैं अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें चले जाएँ और इसके सारे एलिमेंट इसमें चले जाएँ, तो ये दोनों सेट बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें नहीं जा रहा है और 1, 1 इसमें नहीं जा रहा है। 1, b इसमें है तो इसके अंदर नहीं मिलेगा, इसके अंदर b, 1 है जो इसमें नहीं मिलेगा। अगर एक भी एलिमेंट इसका एक भी एलिमेंट इस सेट का एक भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलता है, या इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मतलब बराबर कब होते हैं, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएं और इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएं। जो इक्वल सेट की डेफिनेशन थी वही बात है यहाँ पर भी, ठीक है, जो पहले चैप्टर में इक्वल सेट थी था उसी की डेफिनेशन समझा रहा हूँ मैं आपको। चलिए आगे। अब अच्छा जी, यहाँ पर मैं कहता हूँ a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, वो एम्प्टी है, खाली है। वो खाली कब रहेगा, वो एम्प्टी कब रहेगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे कि बेटा a क्रॉस b में ये कुछ एलिमेंट आ गए यहाँ पर क्रॉस करने में, जो आंसर क्या निकला, कितने एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट आए। तो इस तरह से कह रहा है कि a क्रॉस b जो निकाला तो यहाँ पर वो एम्प्टी रहेगा, वो खाली रहेगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। वो कब नहीं होगा, यदि इफ a या फिर b या फिर बोथ दोनों आर एम्प्टी, या तो ए एम्प्टी सेट हो या बी एम्प्टी सेट हो या दोनों ही एम्प्टी हो,
तो ही दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मान लो सोचो यहाँ पर अगर एक भी एलिमेंट नहीं होता, पर मैं आप इसमें तो वन और टू होते, लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं निकालता तो वन का ऑर्डर पेयर मैं किससे बनाता, किसी से नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो इसलिए एक भी एलिमेंट अगर एक भी सेट सॉरी अगर दोनों में से एक भी सेट एम्प्टी है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी रहेगा। अच्छा जी, तो अगला टॉपिक है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जैसे कि मैंने आप पहले बताया आपको कि यहाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर नहीं थे। तो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ए क्रॉस बी एक ऑर्डर पेयर है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, बी कोमा ए दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं, ये तब इक्वल तभी हो सकते हैं अगर ए खुद किसके बराबर आ जाए बी के, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है बेटा। ए क्रॉस बी ना बी क्रॉस ए के बराबर तभी हो सकता है जब ए खुद किसके बराबर आ जाए बी के बराबर, तभी पॉसिबल है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, एक ए सेट गिवन है -1, 1 फाइंड ए क्रॉस ए। तीन सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तीनों सेम ही सेट है, दोनों सेम, जैसे कि हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं बेटा, ए क्रॉस बी निकाला, यहाँ पे निकाला ए क्रॉस बी, सेम तरीके से ये सॉल्व करना है। कौन सा, ये वाला ए क्रॉस ए, ये तीनों सॉल्व करना है। यहाँ आपने ए क्रॉस बी निकाला था, यहाँ पे ए क्रॉस ए, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बी का बी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, चलो देखते हैं, ए क्रॉस ए निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चेक करते हैं, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैंने ए सेट लिख दिया, ए सेट गिवन था -1, 1, तो ये ए बी है, ये बी ए है, तो आपको ऑर्डर पेयर बनाना आता है, -1 का -1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर इस -1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, ये रहा -1 का -1 के साथ ऑर्डर पेयर, ठीक है, और इस 1 का फिर 1 के साथ ऑर्डर पेयर, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, अब ए क्रॉस ए जब निकल गया, ये पूरा ए क्रॉस ए आ गया, ये बेटा पूरा ए क्रॉस ए आ गया, ये पूरा एरिया क्या, ये ए क्रॉस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे ए क्रॉस ए निकालना है, तो पहले मैंने ए क्रॉस ए, क्योंकि मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, वो ये रहा, ए क्रॉस मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, उसकी वैल्यू उठा के रख दो, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या थी, ये पूरा पूरा ऑर्डर पेयर आया था, ये पूरा ऑर्डर पेयर, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी मैंने, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, ये रहा, कर्ली ब्रैकेट बंद है बेटा, ठीक है, उसके साथ क्रॉस लगा के फिर ए सेट, क्योंकि ये वाला ए सेट अभी बच रहा है, तो ये वाला ए सेट मैंने यहाँ -1, -1 लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, इस ऑर्डर पेयर को उठाओ, इसका इसके साथ -1 ले, तो -1, -1, ये -1, तो ये आ जाएगा, फिर इसके साथ 1 ले लो, -1, -1, +1, -1, -1, +1, फिर इसको उठा लो, अब इसके साथ -1 ले लो, -1, -1, -1, -1, -1 के साथ 1 ले लो, -1, 1 के साथ 1 ले लिया, ठीक है। अब ऐसे इन दोनों को चेक कर लो, ये टोटल एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, इस तरह से ए क्रॉस ए निकाला जा सकता है। अच्छा बताओ, n of a क्रॉस a, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुए, n of a इंटू में n of a, लेकिन a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चेक कर लो, 2 है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ जाएगा 2 × 2 × 2, 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 8, चेक कर सकते हो, a क्रॉस a में 8 एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ से चेक करे जा सकते हैं, एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, ये पांचवा एलिमेंट, ये छठा एलिमेंट, ये सातवा एलिमेंट, ये आठवा एलिमेंट, ठीक है। इसको बेटा एक एलिमेंट समझो, ये मत समझो कि 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट नहीं, ओनली 1 एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है, एक एलिमेंट, तीन, यानी कि 3 सफिक्स का एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर है बेटा ये, इसे ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बोल सकते हो, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर, ठीक है, क्या बोल सकते हो, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये a क्रॉस a निकाल के दिखाया हमने। चलिए अब आगे, अब हम आते हैं अगला टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो देखते हैं क्या है, उसमें है इस तरह से, a क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस a दैट इज इक्वल टू 8, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी का ग्राफ कैसे कि ड्रॉ करें, एक क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, मैंने यहाँ पे एक ए सेट ले लिया 1, 2, एक बी सेट ले लिया 2, 3, ए क्रॉस बी निकालना चाह रहा हूँ, ए क्रॉस बी चेक करना, ये ऑर्डर पेयर पहले ही समझा चुका हूँ, 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, इन सभी एलिमेंटों को बेटा जैसे कि आप
दसवीं क्लास के अंदर ग्राफ ग्राफ जब बनाया करते थे तो ग्राफ के अंदर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट नहीं करते थे ग्राफ पेपर पर, जैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करते थे वैसे ही करना है। तो 1.2 एक ऑर्डर पेयर एक कार्टिजियन पॉइंट है, सॉरी कोऑर्डिनेट पॉइंट है। क्या ये का कोऑर्डिनेट पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को ये पहला एक्स का पॉइंट होता है दूसरा वाई का, इसको प्लॉट कर दो इस ग्राफ पर। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली, ये 2 ले ली। बट ये 1 2 किसको देख के लिखना है, इस ए सेट को देख के लिखना है। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2, तो ये सारे एलिमेंट एक्स एक्सिस पे आएंगे, ये सारे वाई एक्सिस पे आएंगे। तो 1 2 मैंने यहाँ लिख दिया, एक्स एक्सिस पे 1 और 2 लिख दिया। वाई एक्सिस पे कौन आएंगे, 2 3 आएंगे। तो यहाँ पे लिखना शुरुआत 1 से करनी, वाई एक्सिस पे 1 2 3 1 भी लिखना है, वैल्यू इसमें नहीं है फिर भी लिखना है, ठीक है। अब चेक करो मुझे पहला ऑर्डर पेयर क्या चाहिए, 1 2, तो 1 ये रहा, 1 ये रहा, एक्स एक्सिस पे 1 ये रहा, 2 वाई की वैल्यू 2 ये रही, तो ये पॉइंट इसके सामने जो डार्क बिंदु है। फिर उसके बाद दिखाना मुझे 1 3 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, 1 3 ये रहा, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 ये रही, इसको ए नाम दे दिया, इसको सी नाम दे रखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2 2, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स एक्सिस पे बेटा 2 निकाल दो, और वाई एक्सिस पे क्या निकाल दो, 2 2 2, ये ऑर्डर पेयर आ गया। फिर 2 3 है, एक्स एक्सिस पे 2 ले लिया, वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू 3 आ गया, तो ये ऑर्डर पेयर 2 3 जिसे बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दैट इज द ग्राफ, इन पॉइंट बस ये पॉइंट प्लॉट करने हैं आपको, इनको जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज द आंसर, ठीक है जी। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, ए में कितने एलिमेंट है, 2, बी में कितने हैं, 2, तो इसको फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी 2 × 2 = 4 होता है, ठीक है। अच्छा जी, क्लियरली 1.2 का एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में। अरे बेटा मैंने यहाँ से क्या करा, ए क्रॉस बी निकाल रखा आपके सामने, ये रहा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4, 1 2 3 4, तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ कि 1.2 का एक ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है किसमें, 1.2 का एक ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है किसमें, ए क्रॉस बी में, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये बताना चाहूँगा कि ये 1 पॉइंट ए में बिलोंग करेगा, इसका मीनिंग ये होता है, बट ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 1 पॉइंट पहले वाले सेट में ही बिलोंग करेगा, दूसरा वाला पॉइंट बी वाले सेट में ही बिलोंग करेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 यहाँ से ए कमा बी का एक ऑर्डर पेयर, यदि ए कमा बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, ये ऑर्डर पेयर अगर ए क्रॉस बी में है, तो इसका मतलब ये होता है कि पहला पॉइंट ए, जो पहला पॉइंट ए है वो ए सेट में जाएगा, दूसरा पॉइंट जो बी है वो बी सेट में जाएगा, क्लियर। अच्छा जी चलो अब एक्सरसाइज 2.1 पे जाते हैं। कहते हैं एक ऑर्डर पेयर है 2x, x + y दैट इज इक्वल टू 6, 2 के बराबर है। तो दो ऑर्डर पेयर दे दिए, दोनों को बराबर दे रखे, दोनों ऑर्डर पेयर बेटा पहले से ही बराबर दे रखे हैं, तो पहला एलिमेंट 2x 6 के बराबर होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के, तो दूसरा एलिमेंट क्योंकि दूसरे के बराबर है, पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, एक्स की वैल्यू 3 निकाल रखे, एक्स की वैल्यू 3 डाल दो, 3 + y = 2, तो वाई की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, -1। इस तरह से एक्स वाई आपसे पूछ लेगा, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आपको 2.1 एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, ए सेट गिवन है 1, 2, 3, बी सेट गिवन है 4 के बराबर, c = 5 के बराबर है, तो प्रूव दैट ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मैं आपको बताने वाला हूँ 2.1 एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, बस आप सभी को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, आपको यूनियन निकालना आना चाहिए, आपको इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए, आपको डिफरेंस निकालना आना चाहिए, जो मैं पहले चैप्टर में समझा चुका हूँ, पहला चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए देखते हैं, मैं ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ निकालना चाहता हूँ, ये प्रूव कर रहा है जो लिख रखा है ऊपर। तो ए का ए सेट डाल दो 1, 2, 3, ए सेट मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पे बी और सी का यूनियन निकालो पहले, फिर उस सेट को लिखो, बी एरा सी एरा, बी और सी का यूनियन क्या होगा, 4, 5 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, कैसे निकालते क्रॉस प्रोडक्ट, 1 को उठाओ, 1 का ऑर्डर पेयर दोनों एलिमेंटों से, जो दूसरा सेट है ना उसके दोनों एलिमेंट एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 4 के साथ भी, 1 का 5 के साथ भी। अब 2 को उठाओ, 2 का 4 के साथ भी, 2 का 5 के साथ भी, ठीक है। 3 को उठाओ, 3 का 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 3 का 4 के साथ भी और 3 का 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर, इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाल ली, क्लियर। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, अब ये कहता है कि ये प्रूव ए क्रॉस बी यूनियन सी मैंने निकाल लिया, अब बराबर में ये निकालना था ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ, बराबर आना चाहिए दोनों, ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू भाई बराबर आनी चाहिए, तो ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस सी निकालो, उसका यूनियन कर दो, बस आंसर आ गया। ये अपने आप देखना बेटा, ये समझाऊंगा नहीं, ए क्रॉस बी मैंने अपने आप यहाँ निकाल के दिखा दिया है, ए क्रॉस बी ये रहा, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस सी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो
ये अपने आप निकालो, ये ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस सी, और फिर दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन नीचे निकाल रखा, ये देखो, ये रहा, ये पूरा ए क्रॉस बी है, ये पूरा ए क्रॉस बी है, और ये पूरा ए क्रॉस सी है। दोनों का यूनियन कैसे निकालते समझा रखा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। तो हेंस द रिजल्ट, सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो आप इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, बस रहते कि आपको डिफरेंस आता हो, यूनियन आता हो, इंटरसेक्शन आता हो, और क्रॉस प्रोडक्ट, और समझा चुका हूँ, ये आना चाहिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक अगर देखते हैं हम, चलो आज के लिए बस इतना ही बहुत जी।